हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टे फोकस ऑन योर गोल्स। आपने अपने गोल्स तो बना लिए, उन गोल पे अपने आप को किस तरीके से फोकस रखें, किस तरीके से उस पर टिके रहें, हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आती है अक्सर उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि वो सुबह उठ करके एक लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन शाम होते होते पता चलता है कि वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। बस क्यों? क्योंकि उस पर फोकस नहीं रह पाते हैं। वो फोकस के बजाय या तो डीफोकस हो जाते हैं या फिर फोकस जो है उनका खराब हो जाता है। क्या, किस तरीके से हम अपने आप को अपने लक्ष्य पे फोकस रखें, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर अपने फोकस से डेविएट होने का, अपने फोकस को डिस्ट्रॉय होने का क्या वजह है। अगर हम इस वजह पर बात करने के लिए आएंगे तो इनफाइनाइट रीजंस, इनफाइनाइट वजहें हो सकती है। क्योंकि डीफोकस होना मन का एक भाव है, दिमाग की एक सोच है, मन की एक स्थिति है, और जो स्थिति होती है वो अलग अलग वजहों से पैदा हो जाती है। एक ही स्टिमुलस का इमोशनल रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। किसी चीज को हमने देखा, किसी के मन में अलग तरह के भाव आएंगे, किसी में अलग तरह के भाव आएंगे, किसी में अलग तरह के भाव आएंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाता है। इसलिए हम इस बात को ठीक ठीक कह सकें कि हाँ ये वजह है जिस वजह से हम फोकस नहीं रह पाए, तो ये बहुत मुश्किल सा काम है। इनफाइनाइट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या वजह हो सकती है, उनमें से चार खास वजहों के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। हो सकता है कि उन चार रीजंस में से आपकी कोई वजह हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वजह ना हो। तो आई होप कि वो जो चार रीजन जिन पर मैं बात करूंगा उसमें कहीं ना कहीं आपका डोमेन आ जाए, कहीं ना कहीं आपको मेरी बात समझ में आ जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द सोल्यूशन, राइट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वजह क्या हो सकता है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम अपने फोकस, अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते। पहली वजह होती है जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं, जब हम कॉपी लेकर के बैठ रहे हैं, हम अपनी नोट्स लेकर बैठ रहे हैं, अपनी बुक लेकर के बैठ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में पास्ट और फ्यूचर की थ्योरी चलती रहती है। जैसे हम बैठे अपने दिमाग में तो हम सोचते रहते हैं कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, या फिर ये सोचते हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, मेरे पिताजी क्या बोलेंगे, मेरी माताजी क्या बोलेंगे, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा, मेरा ये हुआ हुआ। पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी, या तो पास्ट के बारे में बैठ के सोचना या फ्यूचर के बारे में बैठ के सोचना। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी टाइम बीत गया और हम अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं रह पाए। तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए, क्या क्या ऐसा किया जाए कि हम अपने प्रेजेंट में रहें, न कि पास्ट में जाए और न तो फ्यूचर में जाए। अगर कोई व्यक्ति आपको बैठ के समझा दे कि ऐसा मत करिए, देखिए क्या सोचने से फायदा है, बीतीता ही बिसार दे, आगे की सुधले ही, तो शायद आप कभी भी ऐसा जो आपका फ्यूचर और पास्ट में रहने का जो मजा है, आनंद है, आप उस आनंद को नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन आप ये समझ जाएं कि पास्ट में या फ्यूचर में रहने का क्या क्या फायदा है या क्या नुकसान है या क्या उसका लॉजिक है कि हमें प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, अगर आप ये समझ जाएंगे तो शायद वो थॉट अगर आ भी गई तो आप उसको बहुत जल्दी से ख़त्म कर पाएंगे। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, अपने मन में सोचिएगा और इसका जवाब दीजिएगा मुझे अपने मन में। यदि आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक कोई टाइम मशीन है, टाइम ट्रैवलिंग मेथड से बनाई गई एक मशीन है, और वो मशीन ये आपको इजाज़त देती है कि आप अपने पास्ट में जाइए और जा करके पास्ट में की गई गलतियों को ठीक करिए, तो आप में से सभी लोग तैयार हो जाएंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए किया जाए और जा करके हम वो जो गलती की है उसको ठीक कर लें, और जो आज हमारे साथ बीत रही है वो ना बीते, हम सिलेक्ट हो जाएं, हम अच्छी पोजिशन पर चले जाएं। लेकिन क्या ये वास्तविकता है कि आप अपने पास में जा सकते हैं? असंभव है जाना, इम्पॉसिबल, आप नहीं जा सकते। लेकिन आप अगर सोचे थोड़ा देर ठहर करके, तो ये जो अभी का वक्त है, ये जो आज का वक्त है, ये समय
आपके फ्यूचर के लिए पास्ट है, आपके भविष्य के लिए ये उसका भूत है। यदि आप आज को ठीक करते हैं तो आप अपने भविष्य के भूत को ठीक कर पाएंगे। आप पास्ट को ठीक नहीं कर सकते। आज आप रो रहे हैं, शायद आप परेशान होंगे, शायद आज आप दुखी होंगे, शायद आज आप रिग्रेट महसूस कर रहे होंगे शायद, लेकिन फ्यूचर में भी इसी तरह से रहे, क्या ये ठीक होगा? नहीं ना। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर जैसा आज हमारे साथ हो रहा है ऐसा फ्यूचर में ना हो, तो बेहतर है कि हम अपने प्रेजेंट को अच्छा करें, और प्रेजेंट को अच्छा करते करते ही हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो बेस्ट चीज ये है कि हम अपने प्रेजेंट को ही, प्रेजेंट में ही रहें और प्रेजेंट को ही ध्यान में रखें। पास्ट को हम ठीक कर नहीं सकते और फ्यूचर का हमको पता नहीं है। तो इट इज बेटर टू रिमेन इन प्रेजेंट रेदर देन टू बी इन पास्ट और फ्यूचर, राइट। दूसरी बात जो आपको सबसे ज्यादा अपने फोकस, अपने गोल से आपके फोकस को हटाती है, वो है आपकी सोसाइटी, आपका समाज और आपका सोशल मीडिया। समाज हमारा आज नकारात्मक लोगों से भरा हुआ है, नकारात्मक सूचनाओं से भरा हुआ है। जहां भी आप जाएंगे आपको एक निगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, राइट। सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप को निगेटिव करने का। अगर आप व्हाट्सएप इंडस्ट्री या फेसबुक इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं तो हाँ, अच्छी चीज़ें मिलती हैं लेकिन ख़राब चीज़ें भी मिलती हैं, और हमारे दिमाग को अक्सर खराब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आप सोसाइटी में जाते हैं तो आपको निगेटिव चीज़ें सुनने को मिलेगी कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, आप फला नहीं कर सकते हो, इसका इतने साल में सिलेक्शन होता है, ये होता है, वो होता है, तमाम चीज़ें। और शायद उस सोसाइटी में निगेटिव कहने वाले हो सकता है कि आपके परिवार वाले भी हों। आप सोशल मीडिया के साथ हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा अपने फोकस से डीफोकस करता है। कैसे? आपके फ़ोन में मान लीजिए कि व्हाट्सएप है और किसी ने एक मैसेज कर दिया हाय, अब वो पता ही नहीं कि अननोन नंबर किसका है, कौन है, डीपी भी नहीं लगा रखा है, तो आपके लिए बड़ा एक पजल क्रिएट हो जाता है कि कौन है जिसने मुझे हाई हाय कह दिया। तो पता चला कि आप अपना गोल लेकर के बैठे थे और दो घंटे में आप ये सोच रहे थे ये हाय कौन कह दिया, किसने है जो मुझे हाय कह दिया। या फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक में भी तमाम तरह के लोग होते हैं जो आपके सामने आते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, वो खराब भी होते हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले आपको सोसाइटी के लिए हम क्या करेंगे। ये जो सोसाइटी हमको इनपुट देती है जिससे हम अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा दिमाग उस सोसाइटी में चला जाता है, समाज में चला जाता है, लोगों की बातों में चला जाता है, आखिर उसका क्या इलाज है? क्या हम करें कि ये लोगों की बातें हमारे दिमाग में ना आए, वो जो चीज़ें जो हम सुन करके आते हैं, देख करके आते हैं, वो चीज़ें हमारे दिमाग में ना आए, क्या ऐसा करें? देखिए, आप कभी भी निगेटिविटी ख़त्म नहीं कर सकते, नकारात्मकता आप कभी नहीं ख़त्म कर सकते। आप कितना भी चाह लें निगेटिविटी नहीं समाप्त होगी। आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, शायद अपने घर में भी होंगे तो भी निगेटिविटी होगी, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। एक ही तरीका है समाज में फैली हुई निगेटिविटी से बचने का, वो है कि अपने आप को उससे दूर करिए। आप अपने आप को, अपनी संगत हमेशा ऐसे लोगों के साथ करिए जो आपको आपका लक्ष्य याद दिलाए, न कि आपको अपने लक्ष्य से भटका दे। सपोज कर लीजिए कि आप 3-4 ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो दिन रात कहते हैं चलो ये फिल्म देखा जाए, वो फिल्म देखा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, तो आप अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आप किसी और दिशा में चले जाएंगे। परंतु आप ऐसे बच्चों से मिलते हैं रोज़, आप उनके साथ बैठते हैं जो ये बात करते हैं आज मैंने ये चैप्टर लगा लिया, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने ऐसा कर लिया, आज मैंने वैसा कर दिया, तो आप फोकस होते चले जाएंगे। तो सोसाइटी को बदला नहीं जा सकता है। अगर आप बदल सकते हैं तो एक ही चीज़ है, वो ये है कि आप खुद को वहां से हटा करके अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया जो है वो एक वेपन है, एक हथियार है। हर हथियार के, हर वेपन के दो यूज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपके पास में चाकू है, आपने उससे काटा, सब्जी काटा और सब्जी बना ली, और एक तरीका यह है कि आपने उसको अपने ऊपर चला लिया तो आपकी जिंदगी चली जाएगी। सोशल मीडिया उसी तरह का एक वेपन है, एक हथियार है, वो काम का है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है, वो काम का भी है। आज के जमाने में उसके बिना प्रोफेशनल्स का काम नहीं चलता है।
व्हाट्सएप चाहिए चाहिए, फेसबुक चाहिए चाहिए, लेकिन इस दौर में जिसमें आप बैठे हुए हैं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ना ये व्हाट्सएप आपके काम का है ना फेसबुक आपके काम का। सबसे पहला काम है आप इसे अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि आप इतना साल के लिए भी रखेंगे ना तो कब इतना हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग चीज है, आपको अपने फोकस से डिफोकस करने के लिए, अपने गोल से, अपने लक्ष्य से दूर करने का सबसे बड़ा हथियार है आज के टाइम में। तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सोशल मीडिया में बाउंडेशन मत लगाइए। ये मत सोचिए कि हम इतने ही देर व्हाट्सएप यूज करेंगे या इतना ही देर फेसबुक यूज करेंगे। बेहतर तरीका इंस्टॉल कर दीजिए, उसकी मोहब्बत, उसकी माया छोड़ दीजिए। तो उसकी वजह से होने वाला जो आपका डिफोकसिंग है वो खत्म हो जाएगा, आप जो डिफोकस हो रहे होंगे वो चला जाएगा। तीसरी चीज जिसके बारे में हमें बात करना है वो है जो वजह बनती है आपके फोकस को डिस्ट्रॉय करने की या फोकस को चेंज करने की, वो है हमारे खुद की नकारात्मकता, हमारे खुद की निगेटिविटी। कभी कभी जो मनुष्य होता है वो निगेटिव हो जाता है। अब ये समझना होगा कि निगेटिव होना क्या है। देखिए, भगवान ने जब हमें बनाया एक मनुष्य के तौर पे, तो हमारे अंदर एक शरीर दिया जो आपको दिख रहा है फिजिकली, जैसे मैं दिख रहा हूं आपको, और हमारे अंदर एक सोल है, एक डिवाइन एनर्जी है जिसे आप सोल, आत्मा कहते हैं। और ये जो सोल होती है ये कंप्राइज होती है दो तरह की एनर्जीज का, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों एनर्जीज आपके पास में। भगवान ने उस सोल के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी का ये एक मिश्रण दिया है। यदि आप अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से या अपने व्यवहार से जिंदगी में पॉजिटिव चीजें हासिल करते हैं तो आपकी सोल पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन यदि आप निगेटिव चीजें हासिल करते हैं तो अपने जीवन में आप नकारात्मक हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में आपको कुछ ऐसी सूचनाएं मिली हों, कुछ ऐसे अनुभव हों जिससे आप कहें कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ये तमाम चीजें आप सोच सकते हैं और अपने आप को नकारात्मक कर सकते हैं। अब यदि आप नकारात्मक होंगे तो आप खोखले हो जाएंगे, और जो खोखला व्यक्ति किसी काम को करने का निश्चय लेता है वो उसको पूरा नहीं कर पाता है, वो अपने गोल पे फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो नकारात्मकता जो होती है वो आपको कमजोर बनाती है, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके ध्यान को भंग करती है। आखिर प्रश्न है कि इस नकारात्मकता से कैसे बचेंगे, क्या तरीका है? क्या अपने जीवन में हुए अनुभव को बदल देंगे? क्या आप अपना व्यवहार अभी सोए और कल बदल जाए ऐसा करेंगे? क्या अपने ज्ञान का विस्तार कर लेंगे बहुत जल्दी, कल सुबह, परसों शाम को ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। याद रखिए, हमको अपनी नकारात्मकता को, अपनी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। हमें पॉजिटिव एसोसिएशन में रहना होगा, हमें हमेशा ऐसी संगत करनी होगी जो हमें पॉजिटिव महसूस कराए, जो हमें पॉजिटिव बातें कहें, जो हमें पॉजिटिव सूचनाएं दें। और ये हमारा काम है कि हम किस तरीके से अपने अंदर आने वाली तमाम सूचनाओं को चेक करें, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, और उसे एक सिरे से एक्सेप्ट करें या खारिज करें। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है अपने आप को पॉजिटिव बनाने का, कि आप अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ें, क्योंकि परमात्मा निगेटिव नहीं है, परमात्मा परम आत्मा है, वो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। यदि हम अपनी अपने अपने सोल को, अपनी डिवाइन एनर्जी को उस परमात्मा से जोड़ेंगे तो हम अपने आप को पॉजिटिव कर पाएंगे। भगवान पर विश्वास करें, कड़ा विश्वास करें, वो विश्वास आपको पॉजिटिव बनाएगा। आप किसी भी काम को करने जाएंगे तो आपको अपने अंदर पैदा होने वाले शक से बचाएगा, उस डाउट में नहीं आने देगा आपको। ये आप समझ जाएंगे कि भगवान की बनाई हुई जितनी भी संरचनाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ संरचना है, तो हम किसी काम को क्यों नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते हैं। तो उस भगवान से अपने आप को जोड़ें, जिस भी रूप में हम भगवान की प्रार्थना करते हैं उस रूप में भगवान की प्रार्थना करिए और भगवान को धन्यवाद बोलिए, उस परमात्मा को हमेशा धन्यवाद बोलिए। जब आप ये ऐसा करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, और ये पॉजिटिविटी आपको अपने फोकस से डिफोकस नहीं होने देगी। और अब मैं आखिरी रीजन की बात कर रहा हूं, और चौथा रीजन है
मन की उदासीनता, मानसिक उदासीनता भी कह सकते हैं आप इसे, एक मेंटल न्यूट्रलिटी। आप देखेंगे कि कभी कभी हम उदासीन हो जाते हैं, हम किसी काम को करने में मन ही नहीं लगता। कोई पूछता है क्या बात है, तो कहते हैं पता नहीं बस अच्छा नहीं लग रहा है, बस मन नहीं कर रहा है। कोई रीजन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, पर बस मन नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप कुछ देर के लिए अपने उस काम को छोड़ दीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय आपकी उस उदासीनता में लग रहा है उसमें अपने आप को उस काम में इन्वॉल्व कर लीजिए जो काम आपको पसंद हो। आपको गाने सुनना अच्छा लगता है, आप गाने सुन लीजिए। आपको कहीं घूम करके आना है, घूम के आइए, परंतु उस काम को करने में इतना समय भी मत लगा दीजिए कि बाद में पछतावा हो कि अरे मानसिक उदासीनता दूर करने निकले थे और समय बीतते पर बीतता चला गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मानसिक उदासीनता पर डे नहीं आती है, ये हफ्ते में एक बार आएगी, महीने में एक बार आएगी, इस तरह से आती है। अगर बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब फिर बात कुछ और है, फिर मानसिक उदासीनता नहीं है। इसका मतलब फिर अभी आपने अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के एक दृढ़ निश्चय नहीं लिया हुआ है, आपकी स्थिति अभी डामाडोल है। तो ये एक तरीका हो सकता है अपने मानसिक उदासीनता से लड़ने का। हाँ, ज्यादा मजबूत लोग एक काम और करते हैं, जो ज्यादा मजबूत है, दिमाग से कुछ ज्यादा ही मजबूत है, वो उदासीनता में भी लगे रहते हैं। अगर आधा घंटा तक आपका दिमाग उदासीन है तो भी आप उसको पढ़ रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ा है, पर चार अक्षर आपके दिमाग में तो जा रहा है, आपकी जबान पे तो आ रहा है, तो 4 letters इज बेटर देन 9 letters। तो आप ये भी कर सकते हैं यदि आप अंदर से ज्यादा मजबूत है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, हमें से छोड़ करके कुछ और करना चाहिए, तो कुछ और कर सकते हैं। आज मैंने आपसे 4 मुख्य कारणों पर बात करा। पहला कारण, आपके प्रेजेंट के बजाय पास्ट और फ्यूचर में रहना। दूसरा, सोसाइटी एंड सोशल मीडिया। तीसरा रीजन मैंने आपको बात करा, आपकी निगेटिविटी। और चौथा बात किया मैंने मानसिक उदासीनता के ऊपर, और मैंने उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया। परंतु अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आप फोकस होना चाह रहे हैं पर फोकस नहीं हो पा रहे हैं, सारी जतन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पर हम खुद को उस तरीके से मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, खुद को उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ही तरीका है। देखिए, अगर आपके पास में गाड़ी है, कार है, आपके पास BMW है, और अगर आपको चलाने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप एक ड्राइवर रख लेंगे और उस ड्राइवर पर पूरा यकीन करेंगे कि वो ड्राइविंग जानता है। आप कार में आराम से पीछे बैठे रहेंगे और जहां भी आपका गंतव्य होगा, मंजिल होगा, आप वहां पहुंच जाएंगे। यही यहां पर भी आपको करना होगा। यदि आपको लगता है कि आप अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं कर पा रहे, खुद प्लग इन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चुनना पड़ेगा अपना एक मेंटोर, आपको चुनना पड़ेगा अपना एक सारथी। यदि आप अपने सारथी को चुन लेंगे तो ये तय हो जाएगा आप जो भी करने वाले हैं वो एक दिशा में होगा। आपको सारथी चुनना पड़ेगा, आपको नेविगेटर चुनना पड़ेगा। सारथी कुछ नहीं करता, जो आपके साथ है, जो आपका मेंटोर है, वो कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ एक काम करता है, आपकी दिशा को सही रखता है और आपकी जो दशा है उसको पॉजिटिव रखता है। ये दो काम, ये कह सकते हैं आप एक काम, ये आपके सारथी का होगा। यदि आप अपने सारथी को, अपने मेंटोर को समर्पित कर देंगे तो आपके साथ होने वाली सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी। अगर आप पतंग को बिना डोर के उड़ाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हवा में बहते हुए कहीं भी चली जाएगी। लेकिन अगर उसको एक डोर मिल जाए तो निश्चित तौर पे वो जिस दिशा में मोड़ना चाहेगी डोर, उस दिशा में वो पतंग मुड़ जाती है। तो यदि आपके सामने सारे रास्ते ऐसा लगता है कि सारे जतन करने के बावजूद ऐसा हो रहा है, तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जिसको भी समर्पण करिएगा, सोच समझ के समर्पित करिएगा, क्योंकि आज के समय में 21वीं सदी में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, पर सही ज्ञान देने वालों की अभी भी कमी है। तो आपको ये चुनना पड़ेगा कि सही ज्ञान कौन दे रहा है, कौन आपको आपकी मंजिल तक लेकर के जा रहा है। जो भी आपको आपकी मंजिल तक लेकर के जाए, ऐसे मेंटोर को चुनिए, ऐसे सारथी को चुनिए, और जो चीज़ भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर लीजिए। और हाँ, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था और आज भी आपसे कह रहा हूँ, इस वीडियो में भी आपसे कह रहा हूँ कि चाहे गोल सेट करना हो, चाहे गोल पे फोकस करना हो, ये एक दिन में नहीं होगा,
दो दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में भी नहीं होगा। ये एक प्रैक्टिस है जिसको आप धीरे 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 करते रहेंगे। हो सकता है कि आज आपने सोचा कि आज हम फोकस होकर के पढ़ते हैं, लेकिन फिर से डिफोकस हो जाएंगे। कल प्रयत्न करिएगा, आज फोकस होकर के पढ़ते हैं, फिर से शायद हो जाए। धीरे 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 जब आप करते रहेंगे तो आप अपने आप फोकस होना शुरू हो जाएंगे। ये एक प्रैक्टिस है, इसलिए इस प्रैक्टिस को बरकरार रखिएगा। एक दिन में कोई बदलाव नहीं आता है, हाँ बदलाव निर्णय के बाद शुरू हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें दी गई सूचना आपके काम की भी होगी। थैंक यू वेरी मच।